हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष मैथ्स पॉइंट। दोस्तों, आज 29 दिसंबर 2020 और आज के करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी से वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक। हाल ही में महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इसके ऑप्शन है 27 दिसंबर, 26 दिसंबर, 25 दिसंबर, 24 दिसंबर। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, 27 दिसंबर। दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा को 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। दोस्तों, महामारी के खिलाफ साझेदारी, रोकथाम, तैयारियों के महत्व की वकालत करने के लिए पहली बार दिन यानी 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार मनाया जा रहा है 27 दिसंबर 2020 से शुरू किया, क्योंकि इस बार आपको पता है COVID-19 महामारी के संक्रामक रोग के प्रकोप को रोकने, पता लगाने और प्रतिक्रिया देने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों में निवेश करने की आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला है। दोस्तों, इसलिए दोस्तों अभी पता है COVID-19 से सब कुछ कैसे तहस नहस हो गया, तो इसकी वजह से आगे भी ऐसी महामारी ना आए, इनके प्रति सचेत रहने के लिए, लोगों को इनके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, तो 27 दिसंबर को अब से हर साल महामारी की तैयारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया जा रहा है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दोस्तों और कौन कौन से दिवस मनाया, इसमें दोस्तों एक मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों विश्व जल दिवस। कौन सा मनाया जाता है दोस्तों? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। दोस्तों, 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों 7 अप्रैल को। 31 मई को मनाया जाता है दोस्तों विश्व तंबाकू निषेध दिवस। दोस्तों, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। और 14 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों विश्व मधुमेह दिवस। और 1 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों विश्व एड्स दिवस। स्वास्थ्य से संबंधित जितने दिवस हैं दोस्तों, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 7 अप्रैल को मनाया विश्व स्वास्थ्य दिवस, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस, 10 अक्टूबर को मनाया विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 14 नवंबर को मनाया विश्व मधुमेह दिवस और 1 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों एड्स दिवस। दोस्तों, ये महामारी के खिलाफ, ये दोस्तों महामारी के खिलाफ तो 27 दिसंबर को मनाया जाएगा शुरू में दोस्तों, ये स्वास्थ्य संबंधित दिवस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दी? इसके ऑप्शन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश सरकार ने दोस्तों हाल ही में धार्मिक स्वतंत्रता 2020 को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, प्रस्तावित अधिनियम मध्य प्रदेश में पुराने धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की जगह लेगा। कौन सा? 1968 की जगह लेगा दोस्तों, पहले भी ये प्रस्तावित अधिनियम था, इसकी जगह लेगा दोस्तों ये 2020 का धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम। दोस्तों, इस बिल में महामारी के जबरदस्ती धर्म परिवर्तन मामले में 10 साल की कैद और 50,000 की न्यूनतम जुर्माना, यानी कि इसमें 10 साल की कैद होगी दोस्तों और 50,000 का न्यूनतम जुर्माना है। इसमें बिल में नाबालिग को समूह SC ST के धार्मिक रूपांतरण के लिए अलग प्रावधान है। इसमें बिल के तहत माता पिता के अलावा जन्म से संबंधी भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। एक विवाह को अमान्य घोषित किया जाएगा यदि केवल धार्मिक रूपांतरण के लिए किया जाता है। तो जो लोग रूपांतरण के लिए तैयार है उन्हें 2 महीने पहले जिला प्रशासन के समक्ष आवेदन करना होगा। दोस्तों, अभी इससे पहले UP सरकार ने भी दोस्तों ये किया, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने भी ये किया है, अध्यादेश पारित किया गया। अभी मध्य प्रदेश में क्या है तो मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या? भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल दोस्तों ये यूपी की भी राज्यपाल है। इनको मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। संकल्प योजना बुजुर्गों से संबंधित है दोस्तों, बुजुर्गों के संबंधित जितनी भी योजना है वो संकल्प योजना के तहत पूर्ण की जाएंगी। स्वास्थ्य देखभाल की पेंशन वगैरह संकल्प योजना के तहत पूर्ण की जाएंगी। जीवन शक्ति योजना दोस्तों, इसके तहत महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपए प्रतिमाह सरकार को देंगी। रोको टोको योजना सरकार ऐसे संगठन नियुक्त करेगी, उनमें ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करेगी जिसमें जो व्यक्ति बिना मास्क घर से बाहर निकलते उनको वो रोकेंगे और टोकेंगे दोस्तों, और उन्हें वो मास्क देंगे जो जीवन शक्ति योजना के तहत बन रहे, और 20 रुपए प्रति मास्क लेंगे जिससे जीवन शक्ति योजना के तहत बन रहे मास्क भी वितरित हो सके। आसपास योजना चली थी, कुशल श्रमिकों के रोजगार सेतु योजना, किल कोरोना अभियान, दीदी वाहन सेवा शुरू चली थी, चरण पादुका शुरू हुआ था, FIR के द्वार शुरू हुआ था दोस्तों, खजुराहो के मंदिर दोस्तों चंदेल शासकों द्वारा निर्मित थे दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश में है दोस्तों, अभी ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जावर महाराष्ट्र को भविष्य किस नाम से जाना जाएगा? जावर महाराष्ट्र में दोस्तों इसको भविष्य में किस नाम से जाना जाएगा? इसके ऑप्शन मिनी श्रेडी, कला केंद्र, मिनी महाबलेश्वर, इनमें से कोई। दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन सी, मिनी महाबलेश्वर। दोस्तों,
मिनी महाबलेश्वर का नाम जाएगा जवाहर महाराष्ट्र को, मिनी महाबलेश्वर के नाम से जाना जाएगा दोस्तों ये। हाँ अब ये कहाँ है दोस्तों, जवाहर ये आदिवासी क्षेत्र है दोस्तों जवाहर महाराष्ट्र का, इसे अभी दोस्तों मिनी महाबलेश्वर के नाम से भी जाना जाएगा भविष्य में। अभी महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे दोस्तों। यहाँ किस गठबंधन की सरकार है, यहाँ महाआघाड़ी गठबंधन की सरकार है दोस्तों। राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, जिनको गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है दोस्तों। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना था कौन सा, ये दोस्तों महाराष्ट्र ही बना था। एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित किया गया था महाराष्ट्र में। महारोजगार पोर्टल महापरवाना योजना ये कहाँ चली थी, ये महाराष्ट्र में, जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये महारोजगार पोर्टल महापरवाना योजना। संजय गांधी नवेगांव नेशनल पार्क ये कहाँ है, महाराष्ट्र में ही है दोस्तों, ये रहा महाराष्ट्र मैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पासेस नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के मध्य हुआ, इसके ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, वियतनाम दोस्तों। इसका आंसर वियतनाम दोस्तों। पासेज एक्सरसाइज दोस्तों ये भारत की एक्सरसाइज अलग अलग देशों के साथ होती है दोस्तों। इसमें भारतीय वियतनाम नौसेना के बीच 2 दिवसीय नौसैनिक मार्ग अभ्यास दक्षिणी चीन सागर में होता है, कहा दोस्तों ये दक्षिणी चीन सागर में संपन्न हुआ दोस्तों, वियतनाम और भारत के मध्य पासेज एक्सरसाइज। ये अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का प्रयास हुआ एक हिस्सा है। भारतीय नौसैनिक जहाज क्लिंटन वियतनाम के चिन महन शहर के ना रोंग पोर्ट पहुंचा है। हो ची मिन्ह सिटी वियतनाम का सबसे बड़ा शहर है दोस्तों। तो भारत कोविड-19 महामारी के दौरान मैत्रीपूर्ण विदेशों देशों को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ सहायता प्रदान कर रहा है दोस्तों। ये मैत्रीपूर्ण एक्सरसाइज है दोस्तों, पासेज एक्सरसाइज। अब ये वियतनाम के साथ हुआ है दोस्तों, वियतनाम दक्षिणी कोरिया से देश है। इसकी राजधानी हनोई और मुद्रा वियतनामी डोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के लवांग शहर में मोनापा हस्तनिर्मित कागज बनाने की इकाई का उद्घाटन किया गया, इसके ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। हाल ही में केवीआईसी के अध्यक्ष केंद्रीय खाद्य के अध्यक्ष विनय कुमार सिक्सन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के तवांग में मोनपा हस्तनिर्मित कागज बनाने की इकाई का उद्घाटन किया गया दोस्तों। अब दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में किया गया, अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या, ईटानगर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, पेमा खांडू, और राज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। मी बड़ी ऐप ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ था। पक्के पागा होने वाला फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश में होता है, और दोस्तों एक होता है पक्के पागा होने, एक होता है होर्निबल फेस्टिवल दोस्तों। होर्निबल फेस्टिवल ये कहाँ होता है दोस्तों, होर्निबल फेस्टिवल होता है नागालैंड में। कहाँ होता है दोस्तों, ये नागालैंड में। इनमें आप कंफ्यूज मत होना दोस्तों। पक्के टाइगर रिजर्व और नामदफा नेशनल पार्क ये कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में ही है, ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी ने किस मेट्रो नेटवर्क भारत की पहली चालक रहित ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, इसके ऑप्शन कोलकाता, लखनऊ, जयपुर, दिल्ली। कहाँ दिखाई दोस्तों, इसके ऑप्शन है ऑप्शन डी, दिल्ली। दिल्ली में दोस्तों हाल ही में मेट्रो नेटवर्क की मेजेंटा लाइन पर देश की पहली चालक रहित ट्रेन का उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा भी शुरू की। दिल्ली मेट्रो ने विश्व के मेट्रो नेटवर्क के 7% के विशिष्ट समूह में प्रवेश किया, जो चालक रहित परिचालन की सेवाएं दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने, इसके ऑप्शन है विपिन अग्रवाल, राम सिंह, रामचंद्र प्रसाद, भगवत प्रसाद दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र प्रसाद। हाल ही में जो बिहार का जनता दल है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में प्रसाद चुने गए, वो राज्यसभा के सदस्य भी हैं दोस्तों। दोस्तों यूनाइटेड जनता दल यूनाइटेड दोस्तों ये 2003 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका गठन जनता दल और लोक शक्ति पार्टी के विलय से हुआ। ये मुख्य रूप से बिहार और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में एक पार्टी है। नीतीश कुमार जनता दल पार्टी से है दोस्तों, जनता दल पार्टी से। अभी जो नीतीश कुमार बिहार के 7वीं बार चीफ मिनिस्टर बने हैं, वो भी दोस्तों किसे, जनता दल से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल किया गया, दोस्तों इसके ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि सिख गुरुओं के इतिहास को राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया। ये घोषणा भी की गई 27 दिसंबर को राज्य भर के सभी स्कूलों में साहिबजादा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये दिन सिख गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादा और उनके मां के बलिदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में मनाया गया, उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, एमपी की भी राज्यपाल हैं दोस्तों। ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना फ्लिपकार्ट के साथ दोस्तों समझौता करके शुरू की उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला हाथी अस्पताल मथुरा में खुला था। प्रवासी राहत मित्र ऐप शुरू किया गया था। जियो टैग कम्युनिटी किचन की शुरुआत की थी उत्तर प्रदेश में। वर्चुअल अदालत में सुनवाई करने वाला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। राज्य पशु बारहसिंगा, राज्य पक्षी सारस, और राजकीय वृक्ष अशोक। दुधवा नेशनल पार्क ये भी था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश COVID-19 की दोस्तों 2 करोड़ से जांच करने वाला पहला राज्य बना था, और 1 करोड़ जांच करने वाला भी पहला राज्य ही उत्तर प्रदेश बना था। नेक्स्ट, ये दो मैप में, ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री उद्घाटन किया किस राज्य में, इसके ऑप्शन मेघालय,
त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के इम्फाल में वर्चुअल माध्यम से ई ऑफिस और थुम्बल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया। साथ ही उन्हें चुड़ा चांदपुर मेडिकल कॉलेज, मंत्री पुखरी में आईटीएस, ईजीडी नई दिल्ली में, द्वारका में मणिपुर भवन और इम्फाल में इंटीग्रेट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर समेत सात प्रमुख विकास परियोजना का वर्चुअल तरीके से यानी कि ऑनलाइन मोड से दोस्तों इनका शुभारंभ किया, उद्घाटन किया गया। अभी मणिपुर में है, मणिपुर के बारे में देखते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, यहाँ के राज्यपाल एन बीरेन सिंह, मुख्यमंत्री है नजमा हेपतुल्ला। लाइहारवती और खुडोल पहल, दोस्तों ये काम है, खुडोल पहल कहां शुरू हुई थी, मणिपुर में, और लाइहारवती यहां का फेमस त्यौहार है दोस्तों, इसे इंपोर्टेंट लगा लीजिए, काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। बौद्धों के लिए क्लिनिक खोला था, ये भी काम मणिपुर में, ये रहा मैप है मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य व्यवसाय करने की सुगमता से जुड़े सुधारों को पूरा करने वाला छठा राज्य बना। इसके ऑप्शन पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र। दोस्तों आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। दोस्तों व्यवसाय करने की सुगमता से जुड़े सुधारों को पूरा करने वाला राजस्थान हाल ही में छठा राज्य बन गया। इसमें पांच राज्य कौन कौन से, दोस्तों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना के समकक्ष हो गया राजस्थान। अब राजस्थान और राजस्थान के बारे में देखते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर, यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र। दोस्तों नो मास्क नो सर्विस, नो मास्क नो एंट्री, राजस्थान के जोधपुर शहर में दोस्तों ये अभियान शुरू हुआ था। स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किया राजस्थान में, स्मेल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, प्योर सोर्स सौर कार्यक्रम, डेयरी प्रोडक्ट की गुणवत्ता जांचने के लिए काम देने और डेयरी योजना, इंदिरा रसोई की शुरुआत हुई थी, ₹8 में भोजन दिया जाएगा इंदिरा रसोई में, सरिस्का अभ्यारण, रणथंभौर, केवला पक्षी विहार और मुकुंदरा हिल्स, ये भी कहा है राजस्थान में दोस्तों, ये राजस्थान मैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौशल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके ऑप्शन स्माइल ई, संकल्प, भारत स्किल्स, इनमें से कौन है। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारत स्किल्स। दोस्तों कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन प्रशिक्षण महानिदेशालय ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के छात्रों और शिक्षकों के लिए भारत स्किल नामक ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रह्मपुत्र आमंत्रण किन राज्यों में आयोजित किया जाएगा। इसके ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, असम, उपयुक्त दोनों, इनमें से कौन। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों में। दोस्तों ये दोस्तों खेल केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने नदी राफ्टिंग अभियान ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान को हरी झंडी दिखाई। अरुणाचल प्रदेश और असम में 970 किलोमीटर लंबा अभियान और सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। दोस्तों आज के क्वेश्चन इतने, दोस्तों कल क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। हाल ही में त्योंकर को रामसर साइट की सूची में कहां जोड़ा गया। इसके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मेघालय, सिक्किम। दोस्तों कहां का है, ऑप्शन बी लद्दाख का है दोस्तों, जिनको रामसर साइट में 42 हो गए दोस्तों रामसर साइट। आज के लिए क्वेश्चन, हाल ही में सोच कि नए अध्यक्ष किसे बनाया गया। इसके ऑप्शन है सुदीप मल्होत्रा, वरुण मेहता, संजय सिंह, विनीत अग्रवाल। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और दोस्तों साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर करें, सभी को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।